इज दिस थिंग विजिबल टू एवरी? यस मैम, यस ओके, यस मैम, यस। नाउ व्हाट इज सिंकिंग फंड मेथड? सिंकिंग फंड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फंड क्रिएट कर। तो फंड क्यों क्रिएट किया जाता है? क्योंकि जब रिडेम्पशन का टाइम होता है, जैसा कि हम लोग ने इतने सारे मेथड पढ़े हैं, तो उसी तरह से सिंकिंग फंड मेथड है। इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम है कि भाई जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो हमारे पास उतना अमाउंट है कि नहीं है, वी डोंट नो। तो अपने आप को सेफर साइड रखने के लिए कंपनी क्या करती है, सफिशियंट फंड को जो है एक जगह अलग से रख देती है, उसके लिए सिंकिंग फंड बना देती है, ताकि जब रिडेम्पशन का समय आए तो हम लोग आराम से पेमेंट कर सकें और कोई दिक्कत ना। तो व्हाट इज सिंकिंग फंड? इट्स रिटन दैट सफिशिएंट फंड्स आर रिक्वायर्ड टू रिडीम डिबेंचर्स एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो है हमें अपने डिबेंचर्स का रीपेमेंट करना रहता है। क्यों? क्योंकि हमने एक तरह से डेट लिया हुआ है लोगों से, और उसका हमें कर्ज चुकाना जो है पैसा ली होती है लोगों से, और उनको डिबेंचर इशू की रहती है, और एक टाइम के बाद उसको उसका पेमेंट करना होता है। तो कंपनी क्या डिसाइड करती है कि इट्स बेटर टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड एंड इन्वेस्ट एडिक्वेट अमाउंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज और। तो कंपनी क्या करती है, एक फंड क्रिएट करती है, और फंड क्रिएट करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको कहाँ इन्वेस्ट करती है? इन्वेस्ट करती है इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो जिस भी सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है ना, तो उसकी प्राइस हमें बढ़ के मिलती है, यानी उससे हमें जो रिटर्न मिलता है वो बढ़ के मिलता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट कंपनी को भी हो जाता है। और नॉर्मली कंपनी क्या करती है कि कुछ इक्वल अमाउंट हर साल अरेंज करती है और उसको जो है साइड कर देती है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंकिंग फंड मेथड, अकॉर्डिंग टू विच कंपनी मेक नेसेसरी अरेंजमेंट एंड सेट असाइड अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एवरी ईयर। हर साल का जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसमें से डिसाइड कर लेती है कि कितना अमाउंट हमें अलग करना है, और सेम वो इन्वेस्ट करती जाती है बाहर। किसमें इन्वेस्ट करती है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ एन एप्रोप्रिएट अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय रेफरिंग टू ऑन सिंकिंग फंड टेबल। एक सिंकिंग फंड टेबल होती है, उससे वो कैलकुलेट करती है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा और कितने साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो द अमाउंट इज असेसिबली ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एवरी ईयर। तो क्या हम लोग करते हैं कि जो अमाउंट हम लोग प्रॉफिट से निकालते हैं उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, जिसको हम लोग सिंकिंग फंड भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट इज टर्म्ड एज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। और इस फंड से हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट या फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो इस टोटल का जो आप कंक्लूजन निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि हर साल जो है कंपनी अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो है एक फंड बनाती है, जिसको हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं, और उसको वो ट्रांसफर करती है। कहाँ ट्रांसफर करती है? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, और उसी से वो इन्वेस्टमेंट करती है। जो वो इन्वेस्टमेंट करती है उसको वो नाम देती है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट या फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये अर्न करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, जिसको हम लोग इन्वेस्ट बोलते हैं। इट इज री इन्वेस्टेड टुगेदर विद द फिक्स्ड एप्रोप्रिएटेड अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट ईयर। होता क्या है कि जब भी हम किसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में हमें रिवॉर्ड या रिटर्न मिलता है, जिसकी जिस जिस लालच की वजह से, जिस मोटिव की वजह से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हमें ज्यादा अमाउंट थोड़ा सा मिलता है तो फिर हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है कि कंपनी एक अमाउंट से और अमाउंट मल्टीप्लाई करके जनरेट कर पाती है। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी? राइट डाउन द हेडिंग जर्नल एंट्रीज। पहले साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहली एंट्री होगी क्या? हम अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकालते हैं और उस अमाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में। उसकी एंट्री क्या होगी? राइट डाउन फॉर सेटिंग असाइड द अमाउंट, फॉर सेटिंग असाइड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फॉर सेटिंग असाइड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन, फॉर सेटिंग असाइड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन। फॉर सेटिंग असाइड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के लिए एक अमाउंट हम फिक्स कर लेते हैं और उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है,
अब इसी फंड में से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेकेंड एंट्री इसी में हो जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दिस द सेकेंड एंट्री विल बी फॉर इन्वेस्टिंग द अमाउंट सेट असाइड फॉर रिडेम्पशन। द एंट्री विल बी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। आप लोग इसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, जिस भी नेम से आपको लिखना हो यू कैन राइट विद दैट नेम। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम एक साल का, एक साल के लिए तो कम से कम करते ही हैं, तभी हम इस पर कुछ रिटर्न मिलेगा। अब जब हम सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर पे आएंगे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, तो हम देखेंगे कि पहले वाले साल में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट ही मिलता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट, तो उसकी उस इंटरेस्ट के रिसीविंग की एंट्री क्या हो जाएगी, राइट डाउन फॉर द रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। आर यू ऑल राइटिंग? मेरी आवाज जा रही है ना आपके पास? मैम यस मैम। ओके ओके फाइन, सब बहुत शांत है तो लगा कि पता नहीं नेटवर्क इशू तो नहीं हो गया। तो राइट डाउन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स अदर देन लास्ट ईयर, पहली एंट्री होगी फॉर द रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। For the receipt of interest on debentures redemption fund investment, debentures redemption fund investment, the entry will be interest on debenture redemption fund investment account debit, interest on debenture redemption fund investment account debit to debenture redemption fund account, to debenture redemption fund account. ठीक है, उसके बाद फिर वही ऊपर वाली दोनों एंट्रीज हम लोग रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फिर से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो है कुछ अमाउंट रिडेम्पशन फंड में डालना है और उससे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो लिखिए नेक्स्ट एंट्री, लिखिए फॉर सेटिंग असाइड फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन, फॉर सेटिंग असाइड फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन। सो द एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, statement of profit and loss debit to debenture redemption fund account, to debenture redemption fund account. और उसके बाद investment की entry हो जाएगी, for the investment of the amount set aside for redemption and interest earned on DRFI. अब जितना amount हमारा हमने set aside किया था statement of P&L से और जो हमें interest मिला है पहले साल वो जोड़ के हम पूरा invest करते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया। नेक्स्ट यस मैम, द लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर जो आएगा मतलब आपने जितने साल के लिए भी आपको अलग करना है वो क्वेश्चन में दिया रहता है कितने साल तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो बता ही नहीं। तो एंड ऑफ द लास्ट ईयर, अगर आपका लास्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उसमें सबसे पहले आपने जो पिछले साल, इसके पहले साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो फॉर पहली एंट्री हो जाएगी फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू interest on debenture redemption fund investment account. फिर second entry क्या हो जाएगी? अब ये last year है तो last year वाला जो interest है हम लोग उसको कहाँ transfer कर देंगे? debenture redemption fund investment account. तो interest on debenture redemption fund investment account debit to debenture redemption fund account. Interest on debenture redemption fund investment account debit to debenture redemption fund account. ठीक है, और हमने जो setting aside करनी थी इस साल भी हम लोग पैसा निकालेंगे तो statement of profit and loss debit to debenture redemption fund account. Statement of profit and loss debit to debenture redemption fund account,
और हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था उसको अब हम इन कैश करेंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, और लॉस में ठीक ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हो गया, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे जो हमें रिडेम्पशन की एंट्री करनी है, अमाउंट ड्यू। तो अमाउंट ड्यू की एंट्री वही होगी जो हम लोग करते आ रहे हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और पेमेंट्स की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लास्ट में डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो दी एंट्री विल बी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है सभी को? ठीक यस मैम, यस मैम। है, अब उसके आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट डाउन। एक्स लिमिटेड इशू, एक्स लिमिटेड इशूड 10 लाख डिबेंचर्स, 10 लाख डिबेंचर्स ऑन January 1, 2012, 10 लाख डिबेंचर्स ऑन January 1, 2012, 1 जनवरी 2012 को एक्स लिमिटेड ने 10 लाख डिबेंचर इशू किया। दीज वर टू बी रिडीम्ड ऑन These were to be redeemed on December 31st, 2014. These were to be redeemed on December 31st, 2014. ठीक है, full stop. For this purpose, the company established a sinking fund. For this purpose, the company established a sinking fund. The investments were expected to earn interest. The investments were expected to earn interest at 5% per annum. First off, sinking fund table shows that rupees 0.317208, rupees 0.317208 invested annually at 5%, invested annually at 5%, amount to rupee one in 3 years. क्या मतलब हुआ कि अगर हम आज 0.317208 अगर इन्वेस्ट करते हैं 5% पर एनम के रेट से, तो ये 1 रुपए कब बनेगा? 3 साल पे बनेगा। यानी हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कब तक करना है बताइए, इन्वेस्टमेंट कब तक करना है? यस, 3 साल। ठीक है, फुल स्टॉप। On December 31st, 2014, the bank balance was ₹4,20,000. The bank balance was ₹4,20,000 before receipt of interest on sinking fund investment. 31 दिसंबर 2014 को इन्होंने बताया कि जो बैलेंस था वो 4,20,000 के आसपास था, यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे वो 4,20,000 के थे,
लेकिन हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे अभी हमने इसमें कोई भी ब्याज जोड़ा नहीं, फुल स्टॉप। ऑन दैट डे द इन्वेस्टमेंट्स वर ओल्ड फॉर रुपी ऑन दैट डे द इन्वेस्टमेंट्स वर ओल्ड फॉर रुपीज 6,56,000। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपी कैलकुलेट द इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपी एंड इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड एंड इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड टू द नियरेस्ट ऑफ रुपीज 100 to the nearest of rupees 100. Record the necessary journal entry. हो गया written? Yes, ma'am. इसका सॉल्यूशन किया जाए। हेडिंग डालिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री हो जाएगी, राइट? Yes, तो पहली एंट्री कीजिए 2012 जनवरी 1, फर्स्ट जनवरी 2012 की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। बेटे कितने अमाउंट से हो जाएगा बताइए, कितने अमाउंट से हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख से हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी December 31st को। आपको दूसरी एंट्री करेंगे विच इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आप कितना अमाउंट निकालेंगे? 17 भाग जाएगा। बताइए, बताइए कैसे निकालेंगे? इज माय वॉइस ऑडिबल? यस मैम। मैम 10 लाख का 0.317208 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो 10 लाख आपके डिबेंचर जो आपने 1 जनवरी 2012 को इशू किए थे, उसकी आपको वैल्यू निकालनी रहेगी कि सिंकिंग फंड टेबल से आप कितना उसका अमाउंट आप जो है इन्वेस्ट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट रुपीज 0.317028 इन्वेस्टेड एनुअली एट 5% अमाउंट टू रुपीज 1 इन 3 ईयर्स, यानी इतना आप इन्वेस्ट करेंगे तब जाके 1 रुपये बनेगा, है ना? तो 10 लाख आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? 10 लाख अगर आपको बनाना है तो हाउ मच यू विल इन्वेस्ट? तो इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 3,17,208, तो लिखिए 3,17,208, ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए 10 लाख इंटू 0.317072 08। ठीक है,
स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट 3,17,208। ये दिसंबर 31st की आपकी एंट्री हो जाएगी ना। हर साल आखिरी में ही आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं ना कितना अमाउंट आपके बैलेंस बचा हुआ है, राइट? और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, इसको आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी दिसंबर 31st को, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसको क्वेश्चन में बोला गया नियरेस्ट 100 rupees के उसमें करना है, तो ये आपका जो 317208 है आप इसको 317200 भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब यहाँ तक इन्वेस्टमेंट हो गया। अब साल भर बाद अब आप चेक करेंगे कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2013 डालिए और 31st December 2013. Now you check कि how much interest you are earning. तो 5% मिलेगा। Entry कीजिए bank account debit to interest on debenture redemption fund investment account. आप इसको DRFI book बोल सकते हैं। चलिए तो 317,200 का 5% निकालिए, कितना आएगा मैम? 15,860। अब इस फंड को आप ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो लिखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यानी अब जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें डिबेंचर का ये इंटरेस्ट का पैसा भी आप जोड़ के इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन DRFI टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,860। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? फिर से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे, उतना अमाउंट असाइड करेंगे और उतना ही फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आपको इन्वेस्ट करना होगा तो इसमें 317,200 में 15,860 भी जोड़ देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट 317,208। और नेक्स्ट एंट्री जब आप इन्वेस्टमेंट की करेंगे तो करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप ये वाली एंट्री करेंगे तो 317,200 में कितना आया था इंटरेस्ट? 15,860 वो जोड़ दीजिए मैम। 333,060 रुपए। 333,060 रुपए। अब इसमें बोला है नियरेस्ट रुपी 100 में करने को, तो 333,100 कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट्स को आपको जो है नियरेस्ट रुपीज 100 में करना है, ठीक है? हो गया यहाँ तक? ओके। अब नेक्स्ट एंट्री जो आप करेंगे वो करेंगे दिसंबर 2014 के एंड, 2014 दिसंबर 31st। अब आपने कितना ब्याज कमाया? 333,100 पे इसको निकालेंगे और उतना आपको ब्याज मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRFI अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRFI अकाउंट। मैम 16,653 रुपए कमाए। किस पे निकाल रहे हो मैम? 333,060 रुपए पे। 333,060 रुपए पे कितना आ रहा है मैम? 16,653। और इसके पहले वाला जोड़ो 15,000 वाला, उसको जोड़ के बताओ कितना आया। मैम 32,513। मैम 333,100 रुपए है ना? हाँ।
मैम 3,33,100 रुपए पे इंटरेस्ट निकालेंगे? हाँ 100 रुपए लिखा हुआ है। नियरेस्ट 100 करना ना है। मैम 32,515 रुपीज। हाँ तो ये आपका बैंक का, तो अब आपका जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है इस साल का जो रिसीव हो रहा है 16,000 कितना है, 16,655 आ रहा है ना इस साल का। ये इस साल का ये और पिछले साल का दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन DRFI। ठीक है, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से, यानी हम जो रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट, जो हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है इंटरेस्ट, वो टोटल जोड़ के लिखेंगे। यानी इसके पहले वाले का भी जो 15,000 था, 15,000 समथिंग जो भी था वो, और इस बार जो 16,000 मिल रहा है 3,33,100 रुपए पे, वो दोनों जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 32,500। 15 से 16 ऐसे ही आ रहा है ना मैम? 15 आ रहा है। हाँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRFI अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRFI अकाउंट 32,500 15 या 16 जो लिखना है लिख लीजिए 32,516। और इंटरेस्ट ऑन DRFI अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन DRFI अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, ये पूरा पैसा 32,516 हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट कितना इस बार हम लोग भेजेंगे? वही 3,17,208 रुपए। और ये लास्ट ईयर चल रहा है, 3 ही साल के लिए करना ही था इन्वेस्टमेंट, 3 साल हमने कर लिया इन्वेस्टमेंट, तीसरे साल हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, लेकिन ये हमारा लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग भेज देंगे, यानी हम लोग उसको इन कैश करा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैम अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट किए कहाँ? अरे ट्रांसफर किए ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, जो लास्ट ईयर होता है लास्ट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांसफर करते हैं, और हमने इसके पहले जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको इन कैश कर लेते हैं। ठीक है, मतलब थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसको सोल्ड कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जोड़ लो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में कितना तुमने ट्रांसफर किया है वही तुम इन कैश कराओगे। ठीक है, जितना आप लोग ने डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में इन्वेस्ट किया होगा इन्वेस्टमेंट वही आप जोड़िए कितना आ रहा है, उसी को जब आप बेचेंगे उतने पैसा आपको मिलेगा। एंट्री से देखो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में कितना कितना पैसा गया है, इन्वेस्टमेंट वाला देखना तुम लोग। ठीक है, आयुष कितना आ रहा है? मैम एक सेकंड। हाँ कर लो मैम। 6,50,308 कहीं कुछ अमाउंट में इधर उधर हुआ है क्योंकि इसमें आ रहा है 6,56,000। चलो 50,208 तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैम 6,56,000 मैम वो क्वेश्चन में आंसर आया हमने। एक मिनट फिर से बोलो क्या बोलो तनु। मैम वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने इन कैश कराया है 6,56,000 में, वो हमने किया है यहाँ पे। अच्छा वहाँ लिखा हुआ है क्या? एक मैंने देखा नहीं। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स वर ओल्ड 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 नहीं होगा सोल्ड होगा, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹6,56,000। ठीक है, और आपका ऑलमोस्ट इतना ही आ भी रहा है
जब आप रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देख रहे हैं तो उतना ही आ रहा है ना तनु, लगभग उतना ही आ रहा होगा यस मैम, आ गई थी थोड़ा सा है ना मैम, 6,50,000 डिफरेंस आया वो यहाँ पे हमने किया है ना 5,000 तो वो आपका हाँ ठीक है, तो ये सोल्ड किया है आपका 6,56,000 से, ठीक है ये सेल प्रोसीड है आपकी, ठीक मैम 6,50,300 आ रहा है जितने लोग इन्वेस्टमेंट किए। अब आपको बताना है कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया और कितने में सेल किया है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मैम 5,700 मैम 5,700 ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री लिख लीजिए डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ये 5,700 सबको क्लियर है कैसे आया? Yes, ma'am. Okay. आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है और आपका जितना सेल आपने उसको जितने में किया है, आपने सेल किया है 6,56,000 में और आपने इन्वेस्टमेंट कितने किए हैं, कितने अमाउंट के किए हैं? 6,50,300 तो जो डिफरेंस आ रहा है 5,700 ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट 5,700 ठीक। अब उसके बाद हम रिडेम्पशन ड्यू करेंगे और पेमेंट करेंगे, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10,00,000 और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,00,000 और लास्ट एंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब रिडेम्पशन फंड में हमारा 10,00,000 के साथ साथ कितना जाएगा 5,700 प्रॉफिट। मैम आप जरा एंट्री रिपीट कर दीजिए मेरा छूट गया, कौन सा वाला डिबेंचर होल्डर के पहले वाला, ड्यू करने के पहले वाला, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, ठीक है मैम अमाउंट कितना होगा मैम वही जितना पे हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे 5,700 डिफरेंस, तुम्हें तो बताया था 5,700 आ रहा है, तो डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ड्यू की एंट्री कर दीजिए 10,00,000 से और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर दीजिए 10,00,000 और अब डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट और जो हमने जितने में सेल किया उसके डिफरेंस को भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में चला जाएगा 10,05,700 रुपये जितने भी आपने मेथड्स पढ़े हैं इसको आप मतलब इस तरह से सोचिए कि हमको याद हो जाए तो ऐसे नहीं होगा, ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना तभी जाके आपको ये याद हो पाएगा, ठीक है आप सोचिए कि आप एंट्री याद कर लीजिए तो एंट्री या तो आप उसको समझ लीजिए कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिसीव होगा फिर हमको पेमेंट करना है, एक दो बार आप उसको उस तरह से समझिए तब तो आप कर पाएंगे, और जब तक आप इस पर कई सारे क्वेश्चन कम से कम 8-10% जब तक नहीं सॉल्व करेंगे ना तो ये प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा आपको याद, क्योंकि ये लंबे लंबे इतने वर्ड्स होते हैं कि इसको याद करना मुश्किल हो जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है? यस मैम, यस मैम अभी आ रहा है मैम। हाँ ठीक है, और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट की तो उसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है विल डिस्कस इट टुमारो, कंपनीज बैलेंस शीट विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो, ठीक है ओके मैम थैंक यू मैम, गुड डे, ओके मैम थैंक यू मैम। हां थिंकिंग फंड मेथड से रिलेटेड और भी क्वेश्चन ले लीजिएगा एंड टुमारो विल डिस्कस दी परफॉर्मा ऑफ दी कंपनीज बैलेंस शीट।
ओके ओके मैम एवरीवन थैंक यू.